राजस्थान में पड़ रही तेज सर्दी के बाद कल ज्यादातर इलाकों में दिनभर तेज धूप खिली रही। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी चुभन वाली सर्दी पड़ रही है। बीते 24 घंटे में चुरू का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। यही हालत सीकर के फतेहपुर की भी रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने अब भी अलवर तथा भरतपुर में कोहरा छाए रहने के आसार जताए हैं, लेकिन शीतलहर की संभावना नहीं है। विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली और टोंक में सामान्य कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर हम बात करें तो जयपुर के शहरी क्षेत्र और जिले में पिछले 3 दिन से धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। जयपुर में सूर्योदय के बाद 15 मिनट यानी करीब 7:30 बजे की गुनगुनी धूप खिलने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जयपुर का न्यूनतम तापमान भले ही 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा हो, लेकिन सुबह के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम शनिवार की बात करें तो सुबह 6 बजे जयपुर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रविवार सुबह 6 बजे का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस था, जिससे जयपुर के रहने वाले लोगों को राहत महसूस हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।